चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज दिस एंड करंट की वैल्यू दी हुई है, तो द एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो एवरेज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला देखो, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव भी होता है, और एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव भी होता है दोनों। तो ये जो वैल्यू दी हुई है, ये ई नॉट की वैल्यू या वी नॉट की वैल्यू दी है 200 वोल्ट, और आई नॉट की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर यहां रखी जाएगी 1/2 वी नॉट की वैल्यू 200 इंटू 1 इंटू कॉस फाइव की वैल्यू कितनी है, फेज डिफरेंस कितने का है इसमें और इसमें कितने का है, पाई बाई थ्री का फेज डिफरेंस। कॉस पाई बाई थ्री का मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये वैल्यू 1/2 रखेंगे, 1/2 इंटू 200 इंटू 1/2, ठीक है। तो यह जाएगा 50 वॉट आएगा इसमें एवरेज पावर, एवरेज पावर 50 वॉट। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है इसमें।